प्लीज भगवान जी, हम यहाँ दो दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज और किन्हीं दिलों में दूरी पैदा मत कीजिए। मिस्टर गोयनका, मुझे आपसे बात करनी है। मां की बीमारी का सच क्या है? क्या उन्होंने अपनी जान मानसिक बीमारी की वजह से ली थी? आपसे बात कर रहा हूं मैं, प्लीज बताइए मुझे क्यों बीमार रहती थी वो, क्या थी उनकी सुसाइड की वजह? उन्हें देखने से कुछ नहीं होगा, उनके करने से ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा, आप सब कुछ जानते हैं और मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूं कि क्या हुआ था, क्यों किया मां ने सुसाइड। जिन मेडिसिन का नाम है उन पेपर में वो क्यों लेती थी वो? मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि सच क्या है। पापा प्लीज बता दीजिए ना, प्लीज, वो हमारी मां थी, हमें जाने का हक है पापा, अब प्लीज कुछ मत छुपाइए पापा, प्लीज बता दीजिए। किसी को कुछ नहीं बताना मुझे। किसी से कुछ नहीं कहना। दादी आप तो बताइए क्या हुआ था उन्हें, क्या हुआ था मेरी मां को, क्यों बीमार थी वो? चाचू चाचू आप बताइए ना प्लीज, चाची आप लोग तो थे ना, प्लीज बताइए, आपको पता होगा क्या हुआ था मेरी माँ को, आप लोग क्यों नहीं बता रहे मुझे, क्या हुआ था उन्हें, क्या हुआ था मेरी माँ को, क्यों किया उन्होंने सुसाइड? दादी दादी प्लीज बताइए क्या हुआ। किट्टू बेटा हम कुछ नहीं कह सकते जब तक मनीष नहीं, तो कहिए ना उनसे कि बताए, क्यों छुपा रहे मुझसे? तो जब देखो बस बहाना ढूंढते रहते मुझसे बात करने का, जब देखो बहाना ढूंढते रहते, जब मैं खुद पूछ रहा हूँ तो नहीं जवाब देते, ये उनसे कि मुझे पता है, मुझे जानने का पूरा हक है कि क्या हुआ तो मेरी मां को, क्यों बीमार थी वो, क्यों किया उन्होंने सुसाइड? बताइए क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था? प्लीज शांत हो जाओ दादी, गुस्सा मत करो प्लीज, शांत हो जाओ। मैंने क्या कर दिया माँ, मैंने सौम्या को दिया वचन तोड़ दिया। तुमने कुछ नहीं किया मनीष बेटा, जो किया हमने किया है। हाँ भाई साहब, भाभी की गुनहगार आप नहीं हम हैं, उनसे क्या गया वादा आपने नहीं हमने तोड़ा है। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी कभी गलत वक्त में सही चीज हो जाती है, वैसा ही आज होगा। जानती हूँ
जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। हर बार गलती करती हूँ, हर बार माफी मांगती हूँ और आप हर बार मुझे माफ कर देते हैं। I'm sorry, मैं आपसे इतना लड़ती हूँ, चैन से जीने नहीं देती, पर इस सब में मेरा कोई बस नहीं है। ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें इंसान को खुद पर काबू ही नहीं रहता। अपने आप सब कुछ इमेजिन करने लगती हूँ, पता नहीं कैसी कैसी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। आपसे झगड़ा करती हूँ, परेशान करती हूँ। आज भी बेकार ही लड़ाई की मैंने आपसे। अपने बच्चों के सामने कितना डर गए थे बेचारे। मुझे पता है ये सब ठीक नहीं है। कभी कभी तो ये भी डर लगता है कि कहीं अपने इस पागलपन में किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठूं। लेकिन नहीं, इसके पहले कि दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए, मैं खुद ही इस दुनिया को छोड़ते जा रही हूँ। मेरी आज तक की सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे, मेरी इस बीमारी के बारे में मेरे बच्चे को कुछ मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे, नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो शर्मिंदा हो। बस इतना ही चाहती हूँ कि वो जब भी अपनी माँ को याद करे, खुश होके करे। और आप हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत दुख भी है ना मैंने आपको। आपको शक भी किया आपकी सेक्रेटरी को लेकर, लेकिन आपने वो भी सह लिया। आप बहुत अच्छे हैं, बस यही कहना चाहती हूँ। सब कुछ भूल कर जीवन में आगे बढ़िएगा। आप सब लोग खुश रहें। बहुत साल पहले मेरी मां को मारा था ना आपने। मेरी मां को जिसने मुझसे छीना ना, वो मेरा दुश्मन ही है। अब भी टाइम है मिस्टर गोयनका, आप और अपनी बीवी दोनों इस शादी से दूर ही रहे तो अच्छा है ना। आपको मां बाप बनने का नाटक करना पड़ेगा और ना मुझे बेटा बनने का। अगर उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई है तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे बहुत प्यार करती है कार्तिक। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा क्या मुझसे पूरा बचपन बस नफरत, सिर्फ नफरत करता।
सॉरी कीर्ति, मेरी वजह से तुझे भी हमेशा परेशानी हुई। तू हमेशा कहती रही कि नहीं, मिस्टर गोयनका अच्छे इंसान है, वो उनकी वाइफ अच्छी है, पर मेरा तो ये कभी नहीं माना। अब तू समझ गया अहंकार, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतने में ही खुश हूं। बुरा न माने तो एक बात कहूं तुमसे, बहुत साल यूं ही निकल गए नफरत में, वो पल तो हम वापस नहीं ला सकते, पर इस पल के बाद से आने वाले पल बर्बाद ना हो उसका ध्यान तुम रख सकते हैं ना। नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है कार्तिक, अब और टाइम मत जाने दो हाथ से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।